वीआरएस पार्टी के लीडर दासुजोय श्रवण ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम को मोदी की जिद्दी धोखादही को पहचानना चाहिए। काजल की तरह फरेब की सियासत करने वाले मोदी का रवैया खुश्क हो गया है। हैदराबाद को आईटीआर नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम को कौमी दर्जा नहीं दिया जा सकता। तकसीम कानून के तहत हुकूक को नाफिज नहीं किया जा सकता। मरकज ने इस सब में तेलंगाना को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि आज मरकज तेलंगाना का गला घोंट रहा और रियासत की तरक्की नहीं होने दे रही। वो केसीआर के अहले खाना के खिलाफ ईडी केस, सीबीआई केस और आईटी केसेस की धमकी देकर हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर हम तीसरी बार केसीआर को जिताने के लिए मेहनत करेंगे तो फिर रियासतें उन्हें पहली बार वजीर आजम के तौर पर जीतने के लिए तलाश करेंगी।